आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल जैसे शिक्षित राज्य में गर्भवती हाथीनी मल्लपुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे पाइनएप्पल ऑफर किया जाता है, वो मनुष्यों पर भरोसा करके खा लेती है। वो नहीं जानती थी कि उसे पटाखों से भरा पाइनएप्पल यानी अनानास खिलाया जा रहा है। पटाखे उसके मुंह में फटते हैं, उसका मुंह और जीभ बुरी तरह से चोटिल हो जाते हैं। मुंह में हुई जख्मों की वजह से वो कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान भूख अधिक लगती है, उसे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुंह में जख्म की वजह से वो कुछ खा नहीं पाती है। घायल हाथिनी भूख और दर्द से तड़पती हुई सड़कों पर भटकती रही। इसके बाद भी वो किसी भी मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, कोई घर नहीं तोड़ती है। पानी खोजते हुए वो नदी तक जा पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही होगी उसे बुझाने का यही उपाय सुझा होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो उसे पानी से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथिनी को शायद समझ में आ गया था कि उसका अंत निकट है। और कुछ घंटे बाद नदी में खड़े खड़े ही वो दम तोड़ देते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिस अफिसर के सामने ये घटना घटी, उन्होंने दुख और बेचैनी में इसके बारे में फेसबुक पर लिखा, जिसके बाद ये बात मीडिया में आई। पढ़े लिखे मनुष्य की सारी मानवीयता क्या सिर्फ मनुष्यों के लिए ही है? खैर, पूरी तरह तो मनुष्यों के लिए भी नहीं है। हमारी प्रजाति में तो गर्भवती स्त्री को भी मार देना कोई नई बात नहीं है। इन पढ़े लिखे लोगों से बेहतर तो वो आदिवासी है जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, जंगलों से प्रेम करना जानते हैं, जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। वो खबर ज्यादा पुरानी नहीं हुई जब अमेजन के जंगल जले। इन जंगलों में जाने कितने जीव मरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हजारों ऊंट मार दिए गए यह कहकर कि वो ज्यादा पानी पीते हैं। सिर्फ ज्यादा पानी पीने के लिए ही हजारों ऊंट मार दिए गए। कितने ही जानवर मनुष्य के शार्द की भेंट चढ़ते हैं हर दिन हर रोज। भारत में हाथियों की कुल संख्या 20,000 से तकरीबन 25,000 के बीच होंगे। भारतीय हाथी को विलुप्त प्राय जाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। हाथी एक ऐसा जानवर जो किसी जमाने में राजाओं की शान हुआ करता था, और वो खुद आज अपनी खुद की अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। धरती का एक बुद्धिमान समझदार यदास्त में सबसे तेज शाकाहारी जीव क्या बिगड़ रहा है हमारा, जो हम उसके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं? कोरोना ने हम लोग इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है, फिर भी हम लोग इंसानों ने कुछ भी सबक नहीं लिए, कुछ भी सबक नहीं सीखा है। कोरोना ने यह बता दिया है कि हम अपने प्रकृति के दोहन में हर सीमा लांग ली, लेकिन अब भी हमें अक्ल नहीं आई, हमारी क्रूरता नहीं गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मनुष्य को ना जाने ऐसा कितना विपदा का सामना करना पड़ेंगे भविष्य में। आज बेहद दुख से बोलना पड़ रहा है कि मनुष्य इस धरती का सबसे क्रूर और शार्द प्राणी है, और दुआ है यह हाथी ने इन निकृष्ट मनुष्य के बीच फिर कभी जन्म ना ले, उसे सदगति प्राप्त हो।